राजस्थान के हारदिल अजीज मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, डॉक्टर सीपी जोशी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, श्री लालचंद कटारिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, श्री गुरुदास कामत एमपी और जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी, श्री महेश जोशी एमपी, श्री जुगल काबराव वर्किंग प्रेसिडेंट राजस्थान कांग्रेस कमेटी, श्री सालिम कागजी डीसीसी प्रेसिडेंट जयपुर सिटी, भाइयों और बहनों, राजस्थान की ऐतिहासिक धरती पर कदम रखना मेरे लिए हमेशा खुशी की बात होती है। मैं आज आपसे ये अपील करने आया हूं कि आप अपने राज्य में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका दें। पांच साल पहले आपने कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया था। मुझे ये कहती हुई कोई झिझक नहीं है कि हमने आपके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को उनकी सरकार की उपलब्धियों के लिए बधाई देना चाहता हूं। पिछले पांच सालों में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के काम की वजह से आपके राज्य ने बहुत तेजी से प्रगति की है। इसमें कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र की यूपीए सरकार ने पूरा योगदान दिया है। मेरी आपसे अपील है कि आप कांग्रेस के और राजस्थान में कांग्रेस सरकार के रिकॉर्ड को देखकर अपना फैसला करें। सारे तक आपके सामने हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन तथ्यों पर ध्यान से गौर करने के बाद ही अपना फैसला बनाएंगे। भाई और बहनों, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह निकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं रखती। हम अपनी बात संजीदगी और शालीनता से आपके सामने रखना चाहते हैं। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की तरह हम विपक्षियों के लिए अपमानजनक शब्दों के प्रयोग में विश्वास नहीं रखते हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेताओं की तरह असत्य का सहारा भी नहीं लेती। हम जानते हैं कि जनता अपना वोट बड़ी बड़ी बातें करने वालों को नहीं बल्कि उसी राजनीतिक दल को देती है जिसके कार्यक्रम और नीतियां सकारात्मक हो और रिकॉर्ड अच्छा हो। मैंने जबलपुर और रायपुर में कुछ दिन पहले बीजेपी नेताओं की गलत बयानी के उदाहरण दिए थे। मैंने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति किसी बड़े समुदाय पद का दावेदार होता है उसको अपनी बात जिम्मेदारी से करनी चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि हर चुनावी सभा में बीजेपी के कुछ बड़े नेता मनगढ़ंत बातों का सहारा ले रहे। अभी हाल ही में बीजेपी के एक बड़े नेता ने हमारे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की बुराई करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के लिए हमने सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। बीजेपी के
उन बड़े नेताओं को ये मालूम होना चाहिए कि 1,000 करोड़ रुपए की राशि स्किल डेवलपमेंट की सिर्फ एक नई योजना के लिए निर्धारित की गई है। ऐसी कई योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। इसके अलावा कई डेवलपमेंट स्कीम्स के बजट का 10% हिस्सा स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया है। दरअसल स्किल डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकताओं में से एक रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध हो सके। पहली बार इस क्षेत्र में हमारी कोशिशों को मार्गदर्शन देने के लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई है। पिछले साल हमने 52 लाख से ज्यादा नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दी, जो एक रिकॉर्ड है। इस साल केंद्र सरकार का मकसद इससे कहीं ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग देने का है। मैं ये उदाहरण देकर आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के कुछ नेता हर दिन तथ्यों को तोड़ मोड़ कर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो भी कहते हैं उसको मानने से पहले आपको चाहिए कि आप उनकी बातों की सच्चाई की ठीक से जांच कर लें। करीब 1 महीने पहले जोधपुर में बीजेपी की एक रैली हुई थी। उसमें बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार के ऊपर ह्यूमन राइट और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लगाने से पहले उन्हें मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा वक्त गुजरा है जब उनकी सरकार इन मुद्दों पर आरोपों से ना घिर रही हो। यहाँ तक कि एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री और बीजेपी के एक बहुत बड़े सम्मानित नेता ने उन्हें इन मामलों में राजधर्म का पालन करने की भी हिदायत की थी। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान का इतिहास गौरवशाली है। साथ में कांग्रेस पार्टी का ये भी मानना है कि आपके राज्य का भविष्य और भी उज्जवल है। जरूरत सिर्फ सही नीतियों और कार्यक्रमों की है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 5 सालों में वो सब काम किया है जो राजस्थान का विकास उसकी क्षमता के अनुरूप हो सके। पिछले 5 सालों के दौरान आपके राज्य में बहुत से बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिनका फायदा आपको आने वाले वक्त में बखूबी मिलेगा। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का जिक्र मैं आज करना चाहूँगा। राजस्थान में पहली तेल रिफाइनरी, भिलवाड़ा में रेल इंजन कारखाना, जयपुर में मेट्रो रेल और किशनगढ़ में हवाई अड्डा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। पिछले साल 5 सालों में राज्य के सड़क और रेल नेटवर्क में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। 13,200 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। कई नई रेल लाइनें बनाई जा रही हैं या उनका सुधार किया जा रहा है, जैसा कि गंगापुर सिटी टू दौसा, हिम्मतनगर उदयपुर, सीकर लोहारू, जयपुर चूरू, सूरतपुरा श्री गंगानगर। इसके अलावा बहुत से नए राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाया या सुधारा जा रहा है, जैसे पिंडवाड़ा पाली बेवर कोटा द्योली रिंग जयपुर द्योली टोंक जयपुर
और किशनगढ़, अजमेर, देवा।